इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों यूपी के संत कबीर नगर से दुखद खबर सामने आई है। अपने यूट्यूब वीडियो के चलते मशहूर हुई मालती चौहान की बुधवार रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गुरुवार सुबह उनका शव घर में फंदे से लटकता मिला। दोस्तों पूरा मामला महुली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर गाँव का है। यूट्यूबर के मौत पर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई भी इसे लेकर हत्या तो कोई आत्महत्या बता रहा है। वही दोस्तों पिता दीप चंद ने दामाद विष्णु पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पिता का आरोप है कि एक दिन पहले ही वह मायके से लड़की को लेकर आया था। मालती का अपने पति विष्णु चौहान से विवाद चल रहा था। पुलिस विष्णु को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मालती के निधन से उनके फैंस हैरान है। दोस्तों मालती चौहान पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर देसी स्टाइल में वीडियो बनाकर फेमस हुई थी। वह अपने पति विष्णु चौहान के साथ भी वीडियो बनाया करती थी। दोनों ने कुछ समय पहले एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कई वीडियो डाले थे। बाद में उनका सुलह भी हो गया था। पर दोस्तों अचानक हुई मौत मालती चौहान की मौत से कई सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले विष्णु ने मालती की शादी अर्जुन नामक एक युवक से करा दी थी। धनघटा क्षेत्राधिकारी ब्रजेश सिंह का कहना है कि मालती चौहान की मौत की सूचना पर पुलिस तत्काल उनके घर पर पहुंची। फंदे से लटके शव को नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मालती के पति विष्णु से पूछताछ की जा रही है। इस बीच मालती के घर पर उनके फैंस समेत सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई है। दोस्तों लोग एक दूसरे से एक ही सवाल कर रहे हैं, मालती ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई है। तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों आगे की खबरों को, पल पल की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।